हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूँ किरण। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एलोवेरा लगाने के आपके बालों को जो है सही तरीका क्या होता है। एलोवेरा लगाने से हमारे बालों में जो जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म होती है और आपके बालों की नेचुरली शाइन प्रदान करता है। हमारे बाल नेचुरली काले, घने, मुलायम होते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको पता है कि हर घर में एलोवेरा का पौधा होता है और ये जो एलोवेरा होता है दोस्तों अक्सर हर घर में पाया ही जाता है और इसके इतने बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एलोवेरा की टहनी को काट करके उसको आपको वॉश कर लेना है। वॉश इसलिए किया जाता है ताकि इसके अंदर से जो येलोइस वाला जो लिक्विड जैसा निकलता है वो थोड़ा सा एलर्जिक होता है, हमारे स्किन पे लगते ही थोड़ा सा एलर्जी होता है, इसलिए इसको काफ़ी अच्छे से आपको वॉश कर लेना है, धो लेना है और उसके बाद जो है दोस्तों आप उसको चाहें तो कट करके हटा सकते हैं। एलोवेरा हमारे बालों को नेचुरली कंडीशनिंग करता है, हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है एलोवेरा का पौधा। तो दोस्तों यहाँ पे एलोवेरा मैंने पौधे वाला लिया है, आप यहाँ पे मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, लेकिन पौधे वाला का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हमारे बालों के लिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो धोने के बाद इस तरीके से आप चाहें तो ये वाला पार्ट जो येलो येलो पार्ट होता है उसको काफ़ी अच्छे से कट करके हटा दीजिए और फिर उसके बाद आपको बैक को काट करके हटा देना है और उसके बाद कांटा वाला जो पार्ट होता है उसको काट करके आपको हटा देना है। दोस्तों बहुत ही इजी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा भरा होता है, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपाहट होता है, लेकिन उसके ऊपर ना जा करके आप इसके गुणों को देखें दोस्तों। गुणों से भरपूर होता है, गुणों का भंडार होता है, हमारे स्किन के दाग धब्बों को हटाता है, हमारे स्किन के पिंपल्स रिंकल्स को गायब करके मांसा वगैरह को भी दूर करता है, स्किन के कलर को लाइट करता है दोस्तों, ब्राइट करता है। उसके साथ साथ ही बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे बालों की कोई जड़ से समस्या जैसे कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ वगैरह हो जाना और भी बहुत सारी समस्या, टूटना झड़ना जो होता है वो सभी के सभी दूर होते हैं एलोवेरा से। तो पौधे वाला एलोवेरा जेल ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा चिपचिपाहट भरा होता है, कांटा वाला पार्ट काट करके आपको ऊपर का जो एक लेयर होता है, जो स्किन होता है, उसको आपको चाकू की मदद से पील कैसे करते हैं किसी चीज़ को, उस तरीके से आपको पील कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से जेल इसका निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कितना गाढ़ा सा जो डार्क वाला ग्रीन होता है, बहुत ही बढ़िया एलोवेरा जेल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। तो इस तरीके से कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको चम्मच की मदद से इसके जेल को इजीली निकाल सकते हैं, चम्मच से बहुत ही इजीली निकल जाता है। इस तरीके से अब जो है आगे की ओर इसको इस तरीके से पुश करोगे तो इसका जेल आराम से निकल जाएगा बिना ज़्यादा मेहनत के। तो इस तरीके से आप भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एलोवेरा जेल जो है इस तरीके से पल्प को निकाल करके और फिर इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। बार बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको एलोवेरा जेल निकालने के लिए। मैंने यहाँ पे एक टहनी को काटा था, एक टहनी में से मैंने एक बार के लिए, मैं क्योंकि मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो उस हिसाब से कम हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा जेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक टहनी से मैंने एक बार के लिए इस्तेमाल किया है, ये देखिए कितना बस्त, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी मोटा मोटा है तो इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो अच्छे से लगेगा नहीं। तो कोशिश करें क्या कि इसको आपको काफ़ी अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, ठीक है, ग्राइंडर जार में डाल करके काफ़ी अच्छे से बढ़िया तरीके से इसको आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैं भी इसको जो है ग्राइंडर जार में डाल करके बहुत ही अच्छे से इसको ग्राइंड कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि बहुत ही ये जो है दोस्तों इसको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा आपको इसको ब्लेंड करने के लिए। तो काफ़ी अच्छे से ग्राइंडर जार में डाल करके इसको ईजिली से एक बार ऐसे घुमाओगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा जो है लिक्विड फॉर्म में हमारा एलोवेरा जेल मिल चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप भी इसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करके इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया दोस्तों। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा है विटामिन ई की कैप्सूल जो हमारे बालों को नेचुरली बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कराता है। इवियन 400 करके आपको इसका जो है मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल शॉप पे, केमिस्ट के शॉप पे मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कराता है, नेचुरली हमारे बाल को जो है कलर देता है, हमारे बालों की खूबसूरत बनाता है, सिल्की शाइनिंग कराता है और हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने एक जो है विटामिन ई की कैप्सूल निकाल कर उसको काफ़ी अच्छे से इसके अंदर का जो जूस होता है विटामिन ई, इसको बोल सकते हैं, उसको काट करके निकाल लीजिए किसी भी चाकू मदद से, नाइफ की मदद से या फिर सेफ्टी पिन की मदद से होल करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो एक मैंने इस तरीके से इसको निकाल लिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा काफ़ी अच्छे से, इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, काफ़ी अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चाहे तो एज इट इज़ इसको लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ विटामिन ई की कैप्सूल मिला के, या आप चाहे तो इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का ब्लू बॉटल का। आपको पता है कोकोनट ऑयल हमारे जो से हर जगह मिलता है, घर घर में होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है, हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपको एलोवेरा जेल में विटामिन ई की कैप्सूल मिलाने के बाद आपको थोड़ा सा मिलाना है कोकोनट ऑयल, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से एक चम्मच या फिर दो चम्मच इसके अंदर डाल करके और काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर ले। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सा आपको ये जो है हेयर केयर जो है मास्क के जैसा मिल जाएगा, ऑयल के जैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको लगाना है जब भी आप नहाने जाते हैं, नहाने के कम 2 घंटे पहले इसको लगा लीजिए। काफ़ी अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, चलिए मैं आपको इसको लगाना बताती हूँ कि इसको किस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों नहाने के पहले इस तरीके से आपको अपने बालों पे इसको काफ़ी अच्छे से अप्लाई करना है। थोड़ा सा चिपचिपाहट बड़ा होता है तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स आपके बालों को काफ़ी सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं इस छोटे से नुस्खे की मदद से। अगर आपके घर में एलोवेरा जेल है, एलोवेरा का पौधा है, तो उसका इस्तेमाल आप अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए करना शुरू कर दीजिए। एलोवेरा के जूस भी हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। हमारे जैसे कि बहुत सारे घर में डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, तो एलोवेरा के जूस भी काफ़ी अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो आप अपने बालों को भी इसे खूबसूरत बना सकते हैं, आप अपने स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपको जो है एलोवेरा का जो है इस्तेमाल करना चाहिए आप अपने घर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने पूरे बालों पे अच्छे से लगा लिया है। इसको लगा के कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मालिश करें और कम से कम 2 घंटे अपने बालों पे लगा इसको रहने दें। उसके बाद आपको नॉर्मली जैसे आप शैम्पू करते हैं उसको अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। दोस्तों आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको पहली बार के इस्तेमाल से बेहद फ़र्क नज़र आएगा। आपके बाल बहुत ही खूबसूरत, लंबे, काले, घने, मुलायम लगेंगे, सिल्की शाइनी लगेंगे। दोस्तों बालों में एक अलग सी चमक आएगी। नेचुरल कंडीशनर का काम करता है हमारा एलोवेरा जेल, बाहर से कोई भी कंडीशनर या फिर कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही बढ़िया सा नुस्खा है, देसी नुस्खा है, ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपके बाल खूबसूरत, लंबे, काले, घने हो जाएंगे। तो अच्छा आपको आज का ये वीडियो लगा, हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं फ्रेंड्स और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।